हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता कैसे है, जब खाना अंदर जाता है तो क्या क्या प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं। ओके, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। स्टार्ट करते हैं। जब हम खाना अंदर लेते हैं तो वो बकल कैविटी से होता हुआ ओएसोफेगस यानी जो फूड पाइप होता है उससे पास होता हुआ हमारे स्टोमक तक पहुंचता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। एक्चुअल में बकल कैविटी में होते हैं हमारी टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लांड्स। क्या क्या फंक्शन होते हैं तीनों के, देखिए। टीथ होते हैं वो जो हमारे जो सॉलिड फूड होता है उसको सेमी सॉलिड बना देते हैं, उसको च्यू करते हैं। और टंग जो होती है उस वो हेल्प करती है सलाइवा और फूड को मिक्सचर बनाने में। सलाइवा सीक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड से और वो सलाइवरी ग्लैंड एक और एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसका वर्क होता है जो स्टार्च होता है फूड में प्रेजेंट उसको डाइजेस्ट करना। ओके, इससे क्या होता है, जो हमारा जो फूड है वो अच्छे से हमारे ओएसोफेगस से पास हो जाता है। जो हमारा ओएसोफेगस होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है, लेकिन जब वो फूड उससे पास होता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स, करेक्ट। और अगर हम आगे बात करें, जब ओएसोफेगस से फूड पहुंचता है हमारे स्टोमक में जो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, तो उस ऑर्गन में पहुंचकर जो वहां पर लिक्विड प्रेजेंट होता है वो उसको हमारे जो पेस्ट है उसको सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है। वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो काफी सारी चीजें सीक्रेट करता है, बेसिकली उस सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, और ये तीनों ही एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में क्या कर रहा है, यही सोच रहे हो ना। देखिए, जो हमारी फूड में जो भी ज्यादा बेसिक कंटेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है HCl, और जो हमारे जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। वो काम होता है HCl का हमारे पेट में। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है वो हम प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है फूड में उसका डाइजेशन स्टार्ट करता है, मतलब वो डाइजेशन करता है प्रोटीन का। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, जो HCl है हमारी जो स्टोमक की लाइनिंग होती है उसकी रक्षा करता है HCl से। कौन करता है, म्यूकस करता है। तो जो भी इफेक्ट होता है HCl का वो हमारे स्टोमक पे नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है, जो फूड में जर्म्स होते हैं, बेसिक कंटेंट होता है उस पे वर्क करता है हमारा म्यूकस। उसके बाद जो हमारी फूड है सेमी सॉलिड पेस्ट वो चला जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो एक्चुअली बहुत बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें क्या होता है, जो फूड है ना वो रीअब्सॉर्ब होता है। रीअब्सॉर्ब होता है कैसे होता है, वहां पर जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है और जो लिवर की जो भी सीक्रेशन होती है वो जाकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। क्या क्या सीक्रेशन होती है वो देखते हैं। देखिए, जो पैनक्रियाज होता है, ओके, वो इंसुलिन तो करता ही है लेकिन वो डाइजेशन में कुछ काम नहीं करता। पैनक्रियाज तीन एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, फर्स्ट इज लाइपेज, देन अमाइलेज एंड वन मोर इज एंट्रिप्सिन। तो ये क्या क्या काम करते हैं, देखिए, जो लाइपेज होता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, ओके, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और अमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। देखा, ऐसा होता है जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बचा हमारा प्रोटीन, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है हमारा अमीनो एसिड्स में। तो इस तरीके से जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी होता है वो कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन भी होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है फूड, अगर उसमें कोई भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है या फिर इनसॉल्यूबल होता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फिर वो हमारा रेक्टम, फिर एनस एंड देन गो आउट फ्रॉम आर बॉडी। तो इस तरीके से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन एक साथ हो जाते हैं, जो मैंने आगे का पढ़ाया। डाइजेशन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, उसके बाद हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
करेक्ट. सो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस. थैंक यू वेरी मच.